व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एम के टी एम गेमिंग। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पबजी मोबाइल, और अभी हम उतर रहे हैं पोचिंग की में। हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो जैसे ही हम उतरते हैं तो ये वाला गेम बहुत लेट होने वाला है। पहले तो स्क्वाड्स देख लो कितने सारे आते हैं, और हम पूरा पोचिंग की क्लियर करके यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर मुझे क्रॉसबो बहुत यूज़ करने की तलब मच रही थी, गन रह के भी क्रॉसबो यूज़ करने की। तो मैंने ठान ली थी कि जब तक एक बंदे को मैं क्रॉसबो से नहीं मार लेता तब तक मैं ऑटो गन का यूज़ नहीं करूँ, मतलब ऑटो गन यूज़ करूँगा तब तक मैं क्रॉसबो चेंज नहीं करूँगा। तो देखना, गेम प्ले बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब यार जैसे ही मुझे क्रॉसबो मिलती है तो फिर मैं ठान लेता हूँ कि कम से कम एक बंदे को तो क्रॉसबो से मारना है, फिर चेंज कर लेना है। तो फटाफट गन की तलाश कर लेते हैं, और जैसे ही गन मिलती है हम बंदे को मारने निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो स्क्वाड वाइप होने वाला है, जो हम लोग ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं, वो बहुत ओपी होने वाले हैं। तो पहले ही ओपी लिखी है। तो अब यार यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि मुझे यूएमपी भी मिल चुकी थी बट क्रॉसबो से तो मारना ही था। तो मैं यहाँ पर पहले एक ट्राई करता हूँ कि किसी को क्रॉसबो से नॉक करूँ, फिर यहाँ पर मुझे यूएमपी यूज़ करने पे ये लोग मजबूर कर देते हैं, मतलब क्योंकि मेरे सामने ही था, मैं आराम से नॉक कर सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं यूज़ करते हैं, और थोड़ी देर से जब मौका मिलेगा तब हम यूज़ करेंगे। तो यार ये लोग मेरा किल चुरा लेते हैं, तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तो जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने लगता हूँ मैं दूसरे आदमी को भी देख लेता हूँ, इसलिए मैं उसे नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हम स्क्वाड वाइप करने वाले हैं वो भी यूएमपी से। अच्छा है मुझे अभी एक्सटेंडेड मिल गया था, क्योंकि अब जो स्क्वाड वाइप होने वाला है वो बहुत सही होने वाला है। पहले से ही लाइक दबा दो और इन्जॉय करो। अब यहाँ पर मुझे मौका मिल जाता है क्रॉसबो यूज़ करने का, तो इससे पहले क्रॉसबो से नॉक कर देता हूँ और थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, मतलब एक बुलेट तो लग ही जाती है उसे। तो फटाफट मैं जाता हूँ। तो जैसे ही मैं रश करने के लिए निकल जाता हूँ, यहाँ पर ये बंदा आराम से लूट रहा था, तो फटाफट इसे नॉक करके मैं अंदर घुस जाता हूँ। तब तक ये सारे लोग रिवाइव हो चुके होते हैं, बस ये बंदा बच जाता है। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्वाड वाइप होने वाला है। तो इसी के साथ पोचिंग की एक स्क्वाड हम मार देते हैं, और अभी बारी थी बाकी बंदे लोगों की। तो अब यहाँ पर इनके साथ होने वाला है तगड़ा वाला बॉट स्कैम। यहाँ पर मैं फटाफट एक बॉट फायर देने लग जाता हूँ, तो ये किल्स के भूखे आ जाते हैं, और अब देखना इन्हें कैसे मारेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रायो ऊपर कैम कर रहा था, बट काफ़ी देर से लोग कैम कर रहे थे, तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सोच लेता हूँ कि अभी इन पर रश कर लेना है, बट ऐसे तीन लोगों के सामने अगर मैं अकेला घुस गया तो फिर आप खुद ही समझ जाओगे क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पीछे वाले घरों में, और यहाँ से जो मैं करने वाला हूँ वो खुद देख लेना। तो अब यार जैसे ही यहाँ पर दो लोग नॉक हो जाते हैं, तो अब सही समय था रश करने का। तो वो बंदा तो ऊपर छत पे ही ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, और इसका भी खेल ख़त्म। तो यार इसी के साथ हो जाती है पूरी पोचिंग खाली। तो पोचिंग से निकलने के बाद अब मुझे आपको एक स्टंट दिखाना था जो कि एक्सीडेंटल था, और ये काफ़ी सही। तो यार पूरे गेम प्ले को छोड़ो, इस खेले तो लाइक बनता ही। तो अब जैसे ही मैं इस साइड आ जाता हूँ मुझ पर आ जाती है फायरिंग, और यहाँ पर जो फुटस्टेप सुनने में जो हमारी गलती हो जाती है उसका हमें अंजाम भुगतना पड़ता है।
तो ऐसा लगा कि ये इसने एक या दो ही गोलियों में मुझे मार दिया। और यहाँ पे हमने ठान लिया था कि कोई नहीं और एक गेम खेलेंगे। तो अब ये देखना कि हमारे इंटरनेट सस्ते नशे कर रहा था वो क्यों, क्योंकि हमारा जो पिंग था वो हो रहा था 200, अब 968 भी होगा देखना। तो अब इसी हालत में हमें बंदे को मारना था क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत बहुत अनस्टेबल हो रहा था। मतलब ये देखना कैसे मैं टेलीपोर्ट हो रहा था। तो कोई नहीं, और यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बंदे ही उतरते, जो कि सारे एक DP वाले बंदे ने मार चुके होते जब तक मेरा इंटरनेट थोड़ा सही होता है। और ये ऊपर से मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा था। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मेरे पास हीलिंग नहीं, तो एक एड्रेलिन शॉट मार के मैं इसे जो हेड शॉट देता हूँ, एड्रेलिन शॉट से हेड शॉट, वाह। तो ये देखो, तो यार एक ही किलो हमारे जॉर्ज पुल में, इसलिए फटाफट इसको लूटते हैं। और जैसे ही मैं इसे लूटने के लिए जाता हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पास एक फ्लेयर गन होती है, और जब इसे लूटता हूँ तो इसके पास भी एक फ्लेयर गन होती है। तो अब दो दो फ्लेयर थी, मतलब ओम का आना तो पक्का ही था। तो अब ओम का गेम प्ले जो आपको देखने मिलेगा। तो फटाफट से दोनों फ्लेयर हमने मार दिए और दोनों में ही हमें मिल जाते हैं ओम। तो हमारे पास काफ़ी ओम की बुलेट्स होते हैं, इसलिए हम बॉट्स को भी ओम से मारते हैं और काफ़ी सही तरीके से। और यहाँ पर ये बंदा जैसे ही मुझ पर, मतलब ये एक्चुअली फ्लेयर के आसपास देख रहा था कि बंदा कहाँ है, तो ये गाड़ी इतनी स्लो चला रहा था कि आराम से मर गया। अब यहाँ पर मुझे एक रोज़ा और ओम मिल जाती है, दोनों ही अपने फेवरेट। और दूसरे जो फ्लेयर होता है उसमें हमें मिल जाती है ऑग और ऑम। तो ऑग का काफ़ी मन हो रहा था मुझे लेने का, बट ग्रोज़ा थी इसलिए मैंने नहीं लिया। और काफ़ी अच्छे खासे एमओ हो गए थे। और यहाँ से ही मैं निकलने वाला था, वहाँ पे फायर आ गया था। तो अब इसे कैसे हम एक बॉल शॉट मारने वाले ऑम का, फटाफट ग्रोज़ा से क्लैश कर दें। अब यार ये बंदे को पहला शॉट तो मेरा मिस हो जाता है, क्योंकि 3x है, मेरे पास कोई स्कोप नहीं था। 8x मुझे थोड़ी देर बाद मिल जाता है। तो इसे मारने के बाद इसने पहले तो कवर में नहीं था, बट ये मुझ पर ही फायर कर रहा था। मतलब ये तो गलत था ना। तो अब मैं आ जाता हूँ रोजॉक में बंदे ढूंढने के लिए, और यहाँ पर एक बगी दिख जाती है। मैं रनिंग मारने के लिए कोशिश तो करता हूँ बट लगती नहीं है, बट ये बंदा रुकता ही नहीं है और ये काफ़ी आगे चले जाता है। बट मुझे रोजॉक में एक बंदा दिख जाता है, वो मेरे तरफ फायर कर रहा था, मुझे कुछ समझ रहा नहीं था। बट ये एक तरीके से मेरी जान बचाता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक सांप था, मतलब जो कि मुझे आराम से मार सकता था, बट इसे हमने मारना पड़ा। तो इसके लिए भी थैंक यू। तो अब इसे फटाफट हील करने के बाद मैं लूटने के लिए चले जाता हूँ। अब सामने खे जो ब्रोकन वॉल पे था, एक बंदा कैंप कर रहा था। तो मैं यहाँ से ग्रेनेड पुल कर लेता हूँ और एकदम परफेक्ट जाएगा। और अब मुझे सामने एक बॉट दिख जाता है, बट मैं उसे अभी नहीं मारता, मैं फ़िलहाल पीछे लूटने के लिए जाता हूँ। और काफ़ी सही डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि इसके पीछे इसके जो क्रेट में मुझे मिल गया था एक एटेक्स, तो ये काफ़ी काम में आता है। मैं पहले सोचता हूँ कि इसे नहीं लूटते, बट अच्छा हुआ लूट लिया। तो अब ये बॉट को क्विक स्कोप देख के आप लोग पक्का लाइक करोगे। तो यार एक बार स्लो मोशन में भी देख लो, मतलब पहले मैं स्कोप खोल के देख लेता हूँ और फिर स्कोप बंद करके डायरेक्ट हेडशॉट। तो यहाँ से निकलने के बाद मुझे और एक फ्लेयर मिल जाती है, और यहाँ पर मुझे सलमान भाई की आत्मा आ जाती है, वो क्यों वो देख लो। अब यहाँ पर और एक बॉट दिख जाता है, मतलब इतने सर्कल में भी मुझे एक बॉट मिल जाता है, काफ़ी बोरिंग होता है। बट इसका भी जो शॉट मैं मारने वाला हूँ वो भी काफ़ी मज़ेदार होता है। बट ऐसे ही मुझे, मैं तो पहले ग्रेनेड से मारने वाला था, बट ऐसे ही लग रहा था चलो आम से मारते। अब यहाँ से जो ओम की आवाज़ बंदा सुन लेता है, उसके पास भी एक ओम होती है, और ये आ जाता है मेरी तरफ। और मैं आराम से रीलोड वगैरह कर रहा हूँ, बट फटक से जैसे ही मुझे साउंड आ जाता है मैं निकाल लेता हूँ ग्रोज़ा, और ये यहीं पर होता है। अब यार इसके पास भी ओम होती है, तो मैं एक सेकंड के लिए सोच लेता हूँ क्यों ना अगर हम लास्ट जोन में डबल ओम यूज़ किए, मतलब अगर कर लिया ना तो काफ़ी मज़ा आने वाला था। बट एक टेंशन था कि अगर हम हार गए तो मैंने कहा चलो हार गए तो हार गए, पर इस बार तो ट्राई करेंगे ही। तो मैं दोनों ओम ले लेता हूँ, और मुझे सामने लास्ट बंदा दिख भी जाता है। अब ये बंदा जो दिमाग लगाता है, मैंने तो सोचा था कि इसे मैं लॉन्ग रेंज से आराम से मार लूँगा, बट ये दिमाग लगाता है और ये एकदम क्लोज रेंज में आ जाता है मेरे से। अब मेरे पास अगर रोज़ा होती तो यार इसे 10 बार मार लेता, बट ये एकदम मेरे क्लोज रेंज में आ गया। और इसका जो ग्रेनेड था
वो काफ़ी सही था। पहले तो मैंने भी एक ग्रेनेड डाल के रखा था, क्योंकि अगर ये भागते आएगा तो शायद चांसेस थे, बट ये पीछे साइड से आ जाता है, इसे मेरी लोकेशन पता थी। अब मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, बट ये ग्रेनेड जो डालता है, जिसकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ता है, और ये पहले ही सामने भी ग्रेनेड डाल देता है। मतलब काफ़ी काफ़ी ऐसा दिमाग वाला बंदा था। तो मैं फटाफट पेन किलर मार लेता हूँ एक। अब मुझे लग रहा था कि जो हम TDM में खेलते वैसे ही खेलना पड़ेगा, लेकिन ये देखो, इसमें ही मेरी पूरी हेल्थ गई और यहाँ पर मैं मारा गया। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय।